नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे सीटेट एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 20 दिसंबर 2021 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। क्या दोस्तों, सीटेट 2022 का पेपर ऑफलाइन होगा? पूरी अपडेट को देखेंगे। नॉर्मलाइजेशन को दोस्तों लेकर क्या अपडेट है उसको देखेंगे। जाने सीटेट 2021 पासिंग मार्क जनरल OBC SC ST फिजिकल हैंडीकैप में। एक और दोस्तों बड़ी अपडेट आई, सीटेट प्रश्न पत्र समय से डाउनलोड करने को CBSE ने बनाई इंजीनियरों की टीम। जी हाँ दोस्तों, इस बार इंजीनियर भैया कौन सी टीम बना दी गई है। ठीक है, तो ये दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है। तो मतलब आपको एक बात और बता दें, आज से दोस्तों सीटेट का पेपर फिर से शुरू हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, कुछ बच्चों का पेपर स्थगित कर दिया गया है और उन बच्चों का पेपर देखिए कब तक हो सकता है। तो 13 जनवरी के बाद होगी दोस्तों स्थगित परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, जितने बच्चों का पेपर स्थगित हुआ है उन बच्चों का पेपर 13 तारीख के बाद कराया जाएगा। तो एक एक करके दोस्तों आज की हम सारी अपडेट को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट सुचारू और सही तरीके से हो इसके लिए CBSE पूरी तैयारी में जुट गया है। सभी केंद्रों पर प्रश्न पत्र समय से हर कंप्यूटर पर डाउनलोड हो सके इसके लिए इंजीनियरों की टीम बनाई गई है। यह टीम परीक्षा के समय सर्वर के पास रहेगी। परीक्षा शुरू होने के पहले सर्वर की जाँच होगी। इसको लेकर रविवार को ट्रायल भी किया गया है। ट्रायल के दौरान उन परीक्षा केंद्रों को अधिक फोकस किया गया जहां पर सर्वर कमजोर होने से प्रश्न पत्र डाउनलोड करने में परेशानी हुई। CBSE सूत्रों की माने तो हर केंद्र पर नजर रखी जाएगी। ज्ञात हो कि सीटेट 16 दिसंबर से शुरू हुआ लेकिन परीक्षा के पहले ही दिन प्रश्न पत्र डाउनलोड करने में परेशानी हुई। पेपर वन का प्रश्न पत्र तो जैसे तैसे डाउनलोड करके ले लिया गया लेकिन पेपर टू की परीक्षा नहीं ली जा सकी। बाद में अभ्यर्थियों के हंगामे के बाद CBSE को 16 दिसंबर के पेपर टू को स्थगित करना पड़ा। इसके बाद 17 दिसंबर के दोनों पेपर को स्थगित कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों अब सोमवार को परीक्षा ली जानी है, इसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। तो दोस्तों आज से फिर से सीटेट का पेपर शुरू हो रहा है और देखिए आपको बता दें हर केंद्र पर 650 परीक्षार्थी रहेंगे। सीटेट के सोमवार की परीक्षा में सूबे के 66,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। हर केंद्र पर 650 परीक्षार्थी रहेंगे। ज्ञात हो कि प्रदेश भर में 56 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 32 केंद्र केवल पटना जिले में है। सीटेट की सिटी को ऑर्डिनेटर ग्लेंडा गार्डस्टान ने बताया कि सभी केंद्रों पर पुख्ता इंतजाम किया गया है। तो दोस्त ये बड़ी अपडेट हम आपके सामने रख रहे हैं और देखिए इस अपडेट को जरा देखिए कि बोर्ड सूत्रों की माने तो जिन 3 पेपर की परीक्षा को स्थगित किया गया है उनकी परीक्षा 13 जनवरी के बाद होने की संभावना है। चूंकि 16 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी तक हर दिन परीक्षा ली जाएगी, बोर्ड द्वारा पूरा शेड्यूल तैयार है। ऐसे में 3 पालियों की परीक्षा इस बीच नहीं ली जा सकेगी। बोर्ड की माने तो सारी परीक्षा लेने के बाद ही स्थगित विषयों की परीक्षा ली जाएगी। तो दोस्त ये है पूरा मामला। अब सवाल ये कि मोबाइल में एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें। अगर आपका एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं हुआ है तो हमने कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए लिंक दिया है। बाकी जिन बच्चों का पेपर रद्द हुआ है, कैंसिल हुआ है, उन बच्चों का पेपर कब होगा उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है जहां से दोस्तों आप लेटेस्ट अपडेट प्राप्त कर सकेंगे। तो कुल मिला के दोस्तों ये मान के चल सकते हैं कि जो अगला सीटेट का पेपर होगा, देखिए इस बार जो हमारा पेपर हो रहा है वो सीटेट 2021 का हो रहा है। तो अगली बार दोस्तों जब सीटेट का पेपर जुलाई तक या नोटिफिकेशन आए या अगले साल दिसंबर में आए तो हो सकता है कि उस पेपर को ऑफलाइन कराया जा सकता है। क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन में देखेंगे आप लोग की काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं। कौन सी दिक्कतें आएंगी आपको बता दें, कुछ बच्चों के नंबर देखिए बढ़ जाएंगे और कुछ बच्चों के नंबर घट जाएंगे। बढ़ने वाले नंबर तो कोई ध्यान ही नहीं देगा लेकिन जिन बच्चों का नंबर घटेगा वो बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। क्योंकि सीटेट हो या टेट की कोई भी परीक्षा हो बहुत से बच्चे बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर होते हैं। जैसे मान लेते कि आपके भैया 82 नंबर है, ठीक है, बिल्कुल 82 नंबर पाकर आपको लग रहा है हम पास हो जाएंगे और कुछ बच्चों को लगेगा नंबर 90 नंबर आ गया तो अपना पास होना कन्फर्म। पता चले दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में 82 से 1-2 नंबर घट के ये हो गया 81, ठीक है, और 90 से 1-2 नंबर घट के हो गया ये 85, या हो सकता है 89 हो जाए या 88 हो गया, तब तो आप फेल हो जाएंगे ना। तो कुल मिला के दोस्त यहाँ पर यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है। इसीलिए अगर सीटेट का एक पेपर लिया जाए, मतलब ऑनलाइन पेपर उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ऑनलाइन ही पेपर एक ही दिन सभी बच्चों को ले लिया जाए तो बेहतर नहीं रहेगा। सोचिए एक ही दिन सबका पेपर हो जाए, पेपर कठिन हो या आसान सभी के लिए एक ही पेपर रहेगा। लेकिन होगा क्या, अब अलग अलग दिन पेपर होगा। अब जिन बच्चों का पेपर पहले दिन पड़ता है वो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि बताओ मेरा पेपर पहले क्यों हो रहा है, और जो
13 जनवरी को 200 जिन बच्चों का पेपर है, अब सोचिए इन बच्चों को लगभग 1 महीना ज़्यादा समय मिल गया पढ़ने के लिए। तो ये दोस्तों पूरा मामला है, तो इससे बच्चे परेशान होते हैं। ठीक है, सोचते हैं कि किसी बच्चों को ज़्यादा पढ़ने का समय मिला, हमें कम मिला है, तो ये सब दिक्कतें। बाकी अब ठंड बढ़ती जा रही है और देखते हैं दोस्तों आज क्या होता है सीटेट के पेपर में। बाकी देखिए आपके मन में एक और सवाल कि जो हमारा सीटेट का क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन होता है उस पेपर को हमें डाउनलोड कैसे करना है। तो दोस्तों जो आपका क्वेश्चन पेपर है हो सकता है कि बहुत ही जल्द ऑफिशियल वेबसाइट पर इसको अपलोड कर दिया जाएगा। फिलहाल हम आपको कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे जहाँ से आप ट्राई करते रहिए, जैसे दोस्तों क्वेश्चन पेपर अपलोड होगा सबसे पहले आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो कुछ और बड़ी अपडेट उत्तर प्रदेश से भी लेते हैं। सीएम योगी दोस्तों 25 दिसंबर को 1 लाख युवाओं को देंगे मुफ्त टैबलेट और मोबाइल। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी अपडेट है जो कि हम आपके सामने रख रहे हैं। उसके बाद देखिए UPPSC RO AR भर्ती परीक्षा के एक सवाल के 3 जवाब, तो कुछ ऐसे दोस्तों अपडेट भी निकल कर आती है। और उसके बाद देखिए UPHESC ने गलती सुधार कर जारी की 2 विषयों की संशोधित आंतर की। तो कुल मिला के दोस्तों आप देख सकते हैं कि अलग अलग अपडेट हर एक राज्य से भी आ रही है। तो फिलहाल दोस्तों जो भी अपडेट आएगी सीटेट परीक्षाओं को लेकर उस अपडेट को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल परीक्षा की तैयारी आप लोग बेहतर तरीके से करिए, अगर आज आपका पेपर है तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर दीजिए। देखिए डरना नहीं है, ऑनलाइन पेपर का दोस्तों जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि यहाँ पर गलती होने की संभावना बहुत ही कम होती है। ऑफलाइन में दोस्तों गलतियाँ बहुत ही ज़्यादा होती हैं। ठीक है, ऑनलाइन में क्या है कि OMR आपको फिल नहीं करना पड़ता, ऑफलाइन में दोस्तों जल्दबाजी में अगर आपसे OMR गलत हो गया तो पूरी मेहनत आपकी खराब। तो यहाँ पर फायदा भी है नुकसान भी है, नुकसान वही है नॉर्मलाइजेशन वाला, अगर एक ही दिन सभी बच्चों का पेपर हो जाए तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब अलग अलग दिन पेपर हो रहा है इससे दोस्तों बच्चे मानसिक तौर पर परेशान होते हैं। ठीक है, तो अब पेपर के समय तो टेंशन लेंगे तो फिर पेपर अच्छा नहीं जाएगा, ये बात भी आपको पता है। तो फिलहाल आपको बात कुछ और बताते हैं नई शिक्षक भर्ती को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपके मन में सवाल होगा भैया उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती आ सकती है, तो कब तक दोस्तों ये शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा, क्या होगा? आपको बता दें 23 दिसंबर को नई शिक्षक भर्ती को लेकर दोस्तों महाधरना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हो सकता है कि कुछ सरकार बड़ा फैसला ले, लेकिन अगर आप लोग का अभी तक सीटेट या UPTET टेट क्लियर नहीं है तो सिंपल सी बात है आप नई शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे। तो जितने बच्चों का टेट क्लियर है तो वो बच्चे तो भाई मांग कर रहे हैं कि नई शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन कल के बदले आज ही आ जाए, अभी आ जाए। लेकिन जिन बच्चों का टेट क्लियर नहीं है, जब तक सीटेट या कोई भी टेट का रिजल्ट नहीं आता तब तक आप उस भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो बिना टेट के भर्ती में बैठना संभव नहीं होगा, ये बात आप समझ लीजिए। इसीलिए दोस्तों नए शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर ज़्यादा बच्चे धरना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों को पता भैया जब हमारा टेट ही नहीं क्लियर है तो हम भर्ती में एलिजिबल ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा धरने का। ठीक है, जो भी दोस्तों अपडेट आएगी उस अपडेट को हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप लोग परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से करिए, बाकी नई शिक्षक भर्ती को लेकर अभी परेशान मत होइए। लेकिन हाँ, अगर नई भर्ती में ज़्यादा लेट लतीफी होती तो आचार संहिता लागू कर दी जाएगी, फिर तो कोई वैकेंसी आनी ही नहीं है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की हम बात करें और आपको बता दें तकरीबन यहाँ पर 97,000 पदों पर वैकेंसी आ सकती है। सोचिए 97,000 पद, ठीक है, इतना आसान दोस्तों रहेगा आपको नौकरी पाना, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिल पाएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है उसको लगातार आप चेक करते रहिए। हैव अ नाइस डे।